मतलब तो वो
حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا محترم و محتشم ہمارے ہر دل عزیز حافظ و امام نور الدین اذکر حسین صاحب مسجد رضا کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب امام خلیل صاحب
इमाम डाकन साहब, दिगर उलमाए कराम, हज़रे बज़्म, परदानशी ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, आका जो जहां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े एक बार फिर मस्जिद रज़ा में उर्स गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला में शिरकत हासिल करने का हमें एहसास हासिल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा करम है हम सब पर। आइए आज महफिल ही में रब्बे कायनात के दरबार में दुआ गो हूँ कि ता कयामत मस्जिद रज़ा में उर्स होते रहें और इसमें हम शिरकत करते रहें और नस्ल दर नस्ल इससे फैजाब होते रहें। और आइए ये भी दुआ करते हैं कि इस महफिल के इख्तिताम होने से पहले हमारी नेक तमन्नाएं, नेक मुरादें अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इस नूरानी महफिल के सदक़े उसे पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए बाकायदा महफिल का आगाज़ जो है हस्ब मामूल इस्लामी रवायत को बरकरार रखते हुए कुरान पाक की चंद आयत मुबारक की तिलावत से कर रहे हैं और तिलावत का शर्फ हासिल कर रहे हैं इमाम ताकन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Oh.
सुभानअल्लाह। अपने खुशकुन आवाज़ में अभी आप तिलावत कुरान करीम समाअत कर रहे थे। इमाम ताकत की ज़बानी दुआ गो हैं रब कायनात के दरबार में कि वो हर हर्फ जो है उसका सवाब हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़्न बज़्म दुआ मोमिन का हथियार है और इसमें शक नहीं कि जो बंदा रब कायनात में दुआ गो होता है, दुआ करता है, वो अपने मालिक वो अपने खालिक से नज़दीक होता है। महफिल को जाए रखते हुए बस्ती के दो नौजवान आशिकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआया कलाम पेश करेंगे। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए और ये दुआया कलाम पेश करें। आप हैं मुअज़्ज़म अज़गर हुसैन और अजमल फ़ख़्र।
الله عليه وسلم قال: